मैं सुरेश कुमार सैनी, मेरी वाइफ एंड्रोमेट्रोसिस से परेशान थी पिछले 2 साल से, और पिछले 6 महीने पहले हमने एक ऑपरेशन कराया था एंड्रोमेट्रोसिस का, वो निकलवा दिया था। कि वो निकलवाने के बाद में 2 महीने बाद में फिर से पेन चालू हो गया था। पेन चालू होने के बाद पैसे चेक फिर से हमने उसको चेक करवाया तो अगेन एंड्रोमेट्रोसिस राइट साइड में पता चला। उसके बाद हमें जानकारों से किसी से पता चला, मैडम सुशीला सैनी का, फिर हम इनसे आके मिले। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इसके बारे में बताया, गाइड किया कि आप ये करवाओ ये करवाओ, जो हमारे लिए बेस्ट था और उन्होंने बताया उस हिसाब से हमने इस पर 1-2 दिन सप्ताह भर सोच विचार किया। और उसके बाद में हम मैडम से मिले ऑपरेट कराने के लिए, तो इन्होंने बताया कि दूरबीन के द्वारा होगा और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इलाज हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेशन होके आया, ऑपरेशन में हमें काफ़ी सारी गांठें वगैरह मिली जो कि पेट के अंदर ही थी, काफ़ी स्कार एंड्रोमेट्रिस बोलते हैं जिसको, वो था। और कुछ अलग अलग से फाइब्रोड्स जो बता रहे थे मैम वो निकले, तो वो पूरा क्लियर किया मैम ने, वो मेरे को शो भी किया था इन्होंने। और उसके बाद में एक दिन हम हॉस्पिटल स्टे किया, उसके बाद हम डिस्चार्ज हो गए। अब हम 7 दिन के बाद वापस आए हैं रिव्यू के लिए, तो अभी वापस स्कैन किया गया है। स्कैन में सब कुछ स्टिच वगैरह सब कुछ अच्छे हैं और ये अच्छा महसूस कर रही हैं काफ़ी। अनीता जी बताएंगे कि कितना दर्द पहले था और आप कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, एकदम से ठीक है। चेहरे की मुस्कान बता रही है आपकी। पहले कितना दर्द था? बहुत ज़्यादा था। तो एंडोमेट्रियोसिस का दर्द आपको पता है और अभी कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? और इन 7 दिनों की जर्नी आपकी कैसी रही, कि 7 दिन में ज़्यादा तकलीफ रही? नहीं मैम। ऑपरेशन के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? आपका पहले चीरे वाला ऑपरेशन हुआ था इसी स्कार एंडोमेट्रियोसिस के लिए, तब कितना दर्द हुआ था? 3 दिन नहीं। और आपके इस बार हमने आपका दूरबीन से किया है, उसी दिन उठ के चली गई थी। तो अब आपको उस ऑपरेशन में और इस ऑपरेशन में कितना फर्क नजर आया, मतलब कितना आपने तो महसूस किया है क्योंकि आपके शरीर पे दोनों ऑपरेशन हुए हैं, तो आप अच्छे से बता सकती हो कि दोनों ऑपरेशन में एक्चुअल में कितना डिफरेंस आपको महसूस हुआ? जो आपने किया वो बेस्ट था। नहीं नहीं, आप एक बार ये बताओ कि आपको तकलीफ वास्तव में कितनी कम महसूस हुई, अगर उसमें 100 महसूस हुई तो इसमें कितनी थी? अभी कैसे बताओ, 80-20 का रेशियो रहा, 80-20 का रेशियो रहा, 80 में हमारा आराम रहा, कुछ भी नहीं था इस टाइम, और 20% आराम से चल फिर पा रही थी, खा रही थी आराम से सब कुछ। उस टाइम तो मेरा चलना भी मुश्किल था। खुश हो आप ऑपरेशन से? चलो अच्छी बात, थैंक यू।